साक्षात भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ हुआ एक बहुत ही ज्यादा चमत्कारी और एक बहुत ही ज्यादा दैवीय फल है। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्टोरेंट पंडित यूट्यूब चैनल के साथ ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताऊंगा कि रुद्राक्ष जब आपको प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, तो उसको पहनने की या धारण करने की कौन सी सही विधि है जिससे रुद्राक्ष बहुत जल्दी आपके लिए और आपको बहुत अच्छे लाभकारी फल दे सके। रुद्राक्ष जब भी आपको प्राप्त हुआ, सर्वप्रथम रुद्राक्ष को सम्मान करिए, क्योंकि ये कोई मामूली फल नहीं है। ये साक्षात भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ हुआ एक बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और एक बहुत ही ज़्यादा दैवीय फल है, तो इसका सम्मान आपको करना चाहिए। सर्वप्रथम रुद्राक्ष को लीजिए, अपने माथे पर लगाइए। आपको रुद्राक्ष को हमेशा धारण करना है शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन। सुबह जितनी हो उतना ही अच्छा आपके लिए है, तो सुबह के दिन से एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन आपको आपके रुद्राक्ष को गाय के पीले दानेदार घी के अंदर पूरी तरह से डुबो देना है और ये काम पूरा एक रात तक चलेगा। अगले दिन सुबह आएगी सोमवार की। सोमवार की सुबह को अपने रुद्राक्ष को निकालिए, उसको आप स्वच्छ पानी से साफ कर लीजिए, आप दूध से भी साफ कर सकते हैं, और ये जितना भी आपका घी जल या फिर दूध इस्तेमाल हुआ है ये आप पूजा पाठ में भी लगा सकते हैं, गमलों में भी डाल सकते हैं या फिर किसी जानवर को के सामने भी रख सकते हैं। इसके पश्चात आपको अपने रुद्राक्ष को हाथों में लेना है कुछ इस तरह, आपकी माला हो, आपका एक मुखी दो मुखी किसी भी तरह का रुद्राक्ष हो, उसको इस तरह हाथ में लीजिए, अपनी आँखों को बंद करिए और भगवान शिव शंकर का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करिए। आप धूप दिखाइए, बत्ती दिखाइए, फूल पुष्प चढ़ाइए। जब आपके मंत्र 108 बार हो जाएं, तब आप अपनी आंखें खोलिए और आप जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं या जो भी आपकी इच्छा है उसको, उस इंटेंट को अपने रुद्राक्ष में डालिए और भगवान शिव से ये श्रद्धापूर्वक विनम्रतापूर्वक आग्रह करिए कि हे शिव जी, मेरे जीवन से ये समस्या दूर करिए या मेरी ये इच्छा पूरी करिए। यहाँ पे अब आपके रुद्राक्ष में इंटेंट जा चुका है, आपका रुद्राक्ष पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। अब आप इसको लाल धागे में पहन सकते हैं या अगर आपकी इच्छा है, आपके पास सामर्थ्य है, तो चांदी या सोने की चेन में भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के बाद चाहे कलाई में आप धारण करिए, चाहे गले में आप धारण करिए, उसके बाद कुछ चीज़ों को आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया, एक बहुत ही दैवीय चीज़ है, इसका सम्मान करना हर वक्त बहुत ज़रूरी है, इसलिए नॉनवेज खाते समय, अल्कोहल कंज्यूम करते समय आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। आप अगर ये इन सब चीज़ों को छोड़ दें तो उससे बेहतर तो और कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर किन्हीं कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, आपका कल्चर ही ऐसा है, तो इस समय जिस समय भी आप ये सब कंज्यूम कर रहे हैं उस समय रुद्राक्ष आपके कलाई में या गले में ना हो तो बेहतर रहेगा। इसको आप उतार के कहीं पर रख दीजिए किसी साफ जगह पे। अगले दिन आप नहा धोकर रुद्राक्ष की पूजा कर फिर से उसको धारण कर सकते हैं और उसके लाभ को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो ये पूरी विधि रहती है, इस पूरी विधि में ध्यान बस रखना रहता है साफ सफाई और सात्विकता का, और भगवान शंकर का स्मरण जितना आप करते रहेंगे उतनी ही जल्दी रुद्राक्ष आपसे कनेक्ट होगा और रुद्राक्ष आपके जीवन को एक सरल सुगम जीवन बनाने में काम करने में लग जाएगा। आशा है कि आपको रुद्राक्ष धारण करने की पूरी विधि समझ में आई होगी। राधे राधे।